हमारी कहानी हिम्मतपुर से शुरू होती है, जहाँ की खूबसूरत और खुशनुमा फिजा पर कुदरत मेहरबान है। जा बजा शीतल और निर्मल झरने, लहराता हुआ सब्जा, इतलाती बलखाती लहराती हुई नदियाँ, दिल लुभाने वाले खूबसूरत पहाड़ियाँ, कुदरत की गोद में परवरिश पाए हुए एक छोटे से मकान में एक नन्ना सा परिवार सुख और आनंद से जीवन बिता रहा है। दीनानाथ। उनकी हसीन बीवी राधा और दो जुड़वा बेटियां रानी और माधुरी, इन दोनों बहनों की शक्लों सूरत ऐसी मिलती जुलती थी कि ब्रह्मा भी अगर देखे तो चकरा जाए। मगर अफसोस, इनके सुख और शांति की दुनिया बहुत जल्द उजड़ने वाली है, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता एक अत्याचारी के कदम इनके तरफ बढ़ रहे हैं, और इस अत्याचारी का नाम है शिवनाथ। शिवनाथ राधिका से शादी करना चाहता था, लेकिन राधिका ने उसके दोस्त दीनानाथ से शादी करके उसके अरमानों की बस्ती को वीरान कर दिया। प्रेम के रास्ते से ठुकराया हुआ शिवनाथ इस सुखी परिवार से बदला लेने आया है। शिवनाथ, यहाँ किस लिए आए? अपनी प्यास बुझाने के लिए। एक आग मुद्दत से मेरे सीने में भड़क रही है, उसे सर्द करने के लिए। राधिका ने तुम्हें अपना कर मुझे ठुकरा दिया, मेरी उम्मीदों की हरी भरी दुनिया में आग लगा दी। अब उसका इंतकाम लिया जाएगा तुमसे, जिसने मेरी दिल शिकनी की। तुम्हारे दिल फरेब हुस्न ने मुझे तुम्हें प्यार करने के लिए मजबूर किया था, लेकिन मुझे ठुकरा कर तुमने मेरे रकीब से शादी की। ये तुम्हारी बेवफाई थी जो मुझे तुमसे और तुम्हारे अजीजों से नफरत करने के लिए आमादा करती है। वो दगाबाज, इस दिल फरेब और बेवफा हस्ती को मैं हमेशा के लिए खामोश कर देना चाहता हूं। शिवनाथ! आह स्वामी, आह! खामोश, बता तेरी बहन कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। नहीं मालूम? खामोश, राधे, राधे, मेरे बच्चे, रानी, मधुरी, हुआ शोफर? हुजूर, एक लड़की। लड़की? देखा नहीं तुमने? चोट नहीं लगी इसे? नहीं हुजूर, डर के मारे बेहोश हो गई है बेचारी। किसकी लड़की होगी? जरा इधर उधर देखो तो सही। कौन है बाबूजी? सो गए? नहीं बेटा, बेहोश है। कौन है ईश्वर जाने।
हुजूर, आसपास तो कोई दिखाई नहीं देता। तो बाबूजी इसे घर ले चलिए ना। ठीक है बेटी, पहले मैं इसके वालिदैन को तलाश करूंगा, अगर इसका कोई मिल गया तो ठीक, वरना बेटा ईश्वर की दया समझो कि उसने तुमको ऐसी अच्छी सहेली दी। तुम्हारी माँ के गुजर जाने के बाद तुम अकेली सी रह गई थी, अब इससे तुम्हारा जी बहल जाएगा। शोफर जी चलो। रानी और माधुरी दोनों बहनें साथ ही पैदा हुई, मगर किस्मत दोनों की जुदा जुदा थी। तकदीर ने अपना करिश्मा दिखाया, दोनों को एक दूसरे से जुदा करके अलग अलग रास्ते पर ले गई। इन बातों को बीते कई साल हुए, दोनों बहनों में से रानी को तो शिवनाथ उठा ले गया और माधुरी राय बहादुर बिहारी लाल के यहाँ पल कर पड़ी हुई। अच्छा बाबूजी, अब हमें सैर की इजाजत दीजिए। जी हाँ, हमारी दौड़ और कसरत अभी बाकी है। देखो बेटा, अच्छी लड़कियाँ खेल कूद में वक्त जाया नहीं करती। अरे भाई, ईश्वर के लिए कुछ अच्छे अच्छे पकवान बनाओ, रेशम के लच्छे लेकर कुछ बेल बूटे काटो। नहीं बाबूजी, हम जाएंगे। अच्छा अच्छा जाओ, सारा तफरी से दिल बहल जाएगा। जाओ बेटा। मधुरी जी। पिताजी। वीणा का खास ख्याल रखना। हाँ बेटा जी। जाओ बेटा। कैसा खुशनसीब हूँ मैं, वीणा को ऐसी अच्छी सहेली मिली। आप जरा हजरत, पहले आप अच्छी तरह साइकिल चलाना तो सीख लीजिए। देखिए मिस साहिबा, म्युनिसिपैलिटी ने रास्ता बनवाया है मोटर भगाने के लिए, साइकिल दौड़ाने के लिए, पैर से पैदल चलने के लिए, फतलून पहनकर भागने के लिए नहीं। साइकिल का शौक रखते हैं, चलाना जानते नहीं और खामखा राहगीरों से उलझते फिरते हैं। ये देखो बिना, अब तुम्हारी शौकियाँ हद से आगे बढ़ रही हैं। कान गर्म कर दूंगा तुम्हारे। जाइए, मुंह बनवा आइए पहले। बचपन में आपकी धमकियाँ सह लेते थे, अब आपका रोब हम पर नहीं जम सकता, समझे? ये बात है जी। हेलो वीणा, इनके लिए मैदान खाली कर दो, बेचारे सीख लें साइकिल चलाना। मैं तो बहुत थक गई हूँ। हाँ बहन माधुरी, इन्हें उठा लो गोद में। जी हाँ, मैं उठा लूँ तो शायद पांव का दर्द तो दूर हो जाएगा, लेकिन अगर आप उठा लें तो मुमकिन है कि साथ ही साथ दिल का दर्द भी दूर हो जाए। माधुरी रहने भी दो, मन में भाए और मुंडी हिलाए। चलो गनबोट, हमारी मंजिल अभी दूर है। वो तो दे, मेरा ख्याल है अब तुम चल सकती हो। जी हाँ, बड़े शौक से। तो तुम मुझे देखते ही थक जाया करती हो। जी बिल्कुल इसी तरह, जैसे आप मुझे देखते ही साइकिल से गिर पड़ते हैं। सुनो जी, अच्छे लड़के लड़कियों की सैरगाह के चक्कर नहीं काटा करते। खूब खूब, गोया आपके ख्याल में हम आप ही के दर्शन करने आते हैं। जी हाँ, वरना हर रोज शाम को आप ही की शक्ल क्यों दिखाई देती है। Mm.
दरअसल हमारा एक चोर है, उसकी तलाश में आते हैं, समझे? और चोर भी बड़ा अजीब, पलक झपकते लूट ले जाए। अच्छा, तो कमाल ये है कि लूटने वाला बिल्कुल बेखबर। इसी तरह होशो हवास गायब, बिल्कुल गायब, बिना बिना। और जब लूटने वाला होश में आए तो चोर को गायब पाए। कहाँ गई? अरे तुम कहाँ गई? हो गई। तेरे मधुर मधुर सपनों में, तेरे मधुर मधुर सपनों में मैं खो जाऊं खो जाऊं, मैं खो जाऊं खो जाऊं, मैं ढूंढने आऊं खोजने आऊं, मैं ढूंढने आऊं खोजने आऊं। कहां? तेरे रसबीन सभी ने नैनों में, मैं खो जाऊं खो जाऊं, मैं खो जाऊं खो जाऊं, जब पवन चले इठलाते मैं तितली बन जाती, जब पवन चले इठलाते मैं तितली बन जाती, सजनी फिरता गाऊं गाऊं, तुझे मना कर लाता सजनी फिरता गाऊं गाऊं, मैं खो जाऊं खो जाऊं, मैं खो जाऊं खो जाऊं, उस दुनिया में जा पहुंचे अमृत की बरसाते हो तारों की गोछाओं, अमृत की बरसाते हो तारों की भाई ये कब तैयार होगी तुम्हारी मोटर जान? जब देखो जब, यहाँ पिकनिक को आए और आप हो। अरे सुनोगे भी क्या है, क्यों चिल्ला रहा है? तुझे क्या, तू आराम से गाना सुने जा और इससे अपना पेट भर।
के बॉय। मेरे बेजबान दोस्त, दौड़ने के जोश में हम आज रास्ता भूल गए और रोड से 2 मील दूर भी निकल आए। जालिमों, छोड़ो मुझे, बचाओ, कोई बचा है? मुझे कहाँ ले जा रहे हो? गन दो, छोड़ो। फरमाइए, मैं आपकी क्या खातिर कर सकता हूँ? आप कौन हैं? अभी अभी मैंने यहाँ एक बेहोश आदमी को देखा था। जी, एक मिनट पेशतर आपने एक बेहोश आदमी को देखा था, अब आप कुछ और देख रही हैं, और एक मिनट के बाद कुछ नया नजारा नजर आएगा। मैं आपका मतलब नहीं समझी। हर घड़ी, हर मिनट यहाँ का रंग बदलता रहता है। होगा, लेकिन मैं पूछती हूँ कि वो बेहोश आदमी कहाँ गया? वो जहाँ भी है ठीक है, आप उसकी फिक्र न करें। तो आप ही ने उससे? जी, कैद कर रखा है। कहाँ चली आप? हम अपने मेहमानों को उनके खातिर तवाज़ो के बगैर जाने नहीं दिया करते, खासकर जान पहचान वालों को। ओ, गोया आप मुझे पहचानते हैं? जी, तशरीफ रखिए, आइए आइए बैठिए। आप ही को क्या, बल्कि आपके खानदान वालों को भी बखूबी जानता हूं। रहने दीजिए, इन चालाकियों से हम अनजान नहीं। तो यहाँ पिस्तौल से काम चलता है? जी, खबरदार, अगर यहाँ का राज किसी पर जाहिर किया तो तुम
दुनिया में जिसे सबसे ज्यादा चाहती हो उसे खो बैठोगी। देखो आप हमारी खास मेहमान हैं, खाना हमारे साथ खाएंगी। आज हमारी खुशकिस्मती की कोई इंतहा नहीं, क्योंकि अभी एक घंटा पहले हमें हमारे एक पुराने दोस्त मिले और अब आप तशरीफ लाएं। गोया कुआं खुद प्यासे के पास आया। जाओ खाने का माकूल इंतजाम करो। जी भैया। ओ भैया। क्या है भैया के बच्चे, ऐसा मारूंगा कि भेजा पिलपिला हो जाए। भेजा पिलपिला हो जाएगा। जा अपना गाना सुन। अरे गाना क्या सुनूं, खाक जब देखो जब टिक 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 क्या करते हो। हजार मरतबा कहा कि इस खटारे को फेंक दो, ले लो 42 न्यू मॉडल। अरे तुमसे अच्छी मोटर तो सिनेमा के एक्ट्रेस रखती है, एवरी मंथ न्यू मॉडल। न्यू मॉडल के बच्चे, जा अपना काम कर। हम काम करेंगे लेकिन तुम ज्यादा गड़बड़ मत करो। गोपाल वो गाड़ी में पाए, जाओ जल्दी। मारामारी हो रही है, लगने भी दो हमें, क्या पड़ी है पराए झगड़े में। क्या तू अपना काम कर। अरे वहाँ एक औरत है। वहाँ औरत? हाँ पाटलून में, इसलिए तुम पहचान नहीं सकते। हाँ यार, पर वो 5-6 आदमी से लड़ रही है। जल्दी 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 आपका इसमें शरीफ, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि ये आप पर मुसीबत क्यों और किस लिए नाजिल हुई, और ये लोग कौन थे? अरे गुंडे और कौन थे? चुप रहो, औरतों के सामने हाथ नहीं उठाओ। फिलहाल मैं कुछ नहीं बताना चाहती, इस हमदर्दी का शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। कम ऑन गनबोट। जा तुझे बुला रही। मुझे बुला रही? हो, लगा वसी जागे।
आपने मुझे बुलाया कुत्ते को? सुनिए मानो कि आप कुछ नहीं बताना चाहती। क्यों, किस लिए? खैर कोई बात होगी ना, बताइए। लेकिन कम से कम आप अपना नाम तो बताइए। मेरा नाम जानकर आप क्या करेंगे? फिर भी बताऊंगी जब फिर मिलेंगे। माथे की बिंदिया कानों के झुमके, माथे की बिंदिया कानों के झुमके, मैं देखो पान के पान के हो, मैं देखो पान के पान के, गोरी जो बनवा तुरा चमो चमो चमके, गोरी जो बनवा तुरा चमो चमो चमके, जब घूंघट के पटों लुटा दे, जब घूंघट के पटों लुटा दे, मुझे रेशम की चुनरी दिला दे, मुझे मखमल की चोली बना दे बदमा, मुझे रेशम की चुनरी दिला दे। आया हमारी सजनिया, आया हमारी सजनिया, तुहे चांदी की पायल पहना दूं, तुहे चांदी की पायल पहना दूं। हाँ फिर क्या हो, फिर क्या हो, फिर क्या हो, फिर क्या हो, मैं नाचूं मैं नाचूं मैं नाचूं, मैं नाचूं मैं नाचूं मैं नाचूं, मैं गाऊं मैं गाऊं मैं गाऊं, मैं गाऊं मैं गाऊं मैं गाऊं, मुहे मखमल की चोली बना दे बदमा, मुहे रेशम की चुनरी दिला दे, मुहे मखमल की चोली बना दे बदमा, मुहे रेशम की चुनरी दिला दे। ठहरो, हम आपस में फैसला किए लेते हैं कि तुम किसकी हो। भाई सावन आज फैसला कर लो कि ये तुम्हारी है या हमारी। हाँ हाँ देख, चेहरा मेरा और पीठ तेरी। मंजूर मंजूर। मैं सच्चा, बिजली मेरी नहीं मेरी है। फिर वही मुसीबत, दोनों सच्चे यानी कि दोनों शादी करेंगे। बड़े शर्म की बात है। अरे बेवकूफो, इतना भी नहीं समझते जो मुझे ज्यादा खुश कर सके वो मुझे पाए। ये बात है, तुम तो जान से भी ज्यादा प्यारी हो। ये लो, जान तो सब देते हैं मगर पैसे कोई नहीं देता। लो पैसे कोई नहीं देता, ये लो। हाँ ये लो, ये लो, ये लो, लो, लो। दिल बड़े हैं लेने वाले। ये देखो दिल, 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 मेरे पास भी बड़ा दिल है। ये दिल, जरा ठहरो, जरा ठहरो, देखो तुम आपस में फैसला कर लो, मैं अभी आती हूँ। अब तो दिल के साथ कपड़े भी ले गई बेटा। खबरदार, अगर यहाँ का राज किसी पर जाहिर किया तो तुम दुनिया में जिसे सबसे ज्यादा चाहती हो उसे खो बैठोगी। ये बेचारा कौन होगा, बेहोश है। मैंने कहा ये ठंडी ठंडी सांसें क्यों ली जा रही हैं? पपीहा को पानी, परवाने को शमा, चिकुर को चांद ही सूझता है। तुम बोलो या न बोलो, जरूर कोई बांका तिरछा खुशरू जवान होगा।
अठलाती हुई चाल, गोरा चिट्टा रंग, मुंह में सिगार, जरा आंखें तो मिलाओ, जरूर इन आंखों में साजन बसे हैं। वीना तुम पागल हो। हाँ अब तो मैं तुम्हें पागल ही नजर आऊंगी, तुम्हारा नहीं तुम्हारी आंखों का कसूर है। देखो वीना, लड़कियों को हर वक्त प्रेम की बातें ना सोचना चाहिए। जिंदगी के मैदान अमल में मर्दों और औरतों का हिस्सा बराबर है। प्रेम के अलावा उनके लिए और भी बहुत से काम हैं। छोड़ो भी ऐसी बातें, ज्यादा सोचोगी तो ख्वाब में भी उसी का चेहरा नजर आएगा। क्या हो रहा है बेटा? कुछ नहीं कुछ नहीं पिताजी, माधुरी मुझे गीत सुना रही है। सुनाओ बेटा सुनाओ, हम भी सुनेंगे। हाँ बेटा बजाओ, हम भी सुनेंगे। नहीं पिताजी। अरे शर्माती है? अच्छा लो मैं सुनाता हूँ। अरे हद तो। ले सुन। हंसले हंसले आए बानी सितम, खूब जी भर के हंसले, मगर याद रख तेरी इस वहशतनाक हंसी में तेरा दर्दनाक अंजाम सरदा है बर रहा है। खपती कहीं का, अंजाम की परवाह वो करता है जो पस्त हिम्मत और कमजोर हो। मेरे दस्तों बाजू में वो ताकत है कि मैं चाहूं तो जमीन और आसमान को एक तराजू में तोल दूं। तू अपने नापाक इरादों में कभी कामयाब नहीं हो सकता। नहीं हो सकता? देख इधर देख, मेरी कामयाबी का जिंदा सबूत और अपनी जिल्लत और रुसवाई की जीती जागती तस्वीर इधर देख। चश्मे होश खोल कर मेरी कामयाबी का मुजस्मा देख ले। खूब भौंक भौंक कर चिल्ला, तेरी आवाज नक्कार खाने में तूती की तरह बेअसर है। और से देख, ये तेरी एक लड़की है जिसका अंजाम तू बचश्मा खुद देख रहा है। आज ही तेरी दूसरी लड़की भी मेरे कब्जे में आई है। मुझे अंजाम की धमकियां न देकर तू उसका अंजाम देखने का इंतजार कर। बहुत जल्द मेरे इंतकाम का पैमाना तेरे खून से लबरेज होगा। जन्नत खूनी, अपना कोई अरमान बाकी न रख। ऐसी वहशत अंगेज और दर्दनाक मंजर बताने के बदले मेरी आंखें फोड़ डाल। जालिम, फौरन मेरी गर्दन पर छुरी चला दे। तेरी ये हसरत भी निकल जाएगी। शिवनाथ कोई मामूली शख्स नहीं है, उसका इंतकाम गैर मामूली होगा। मैं तुझे तड़पा तड़पा कर कत्ल करूंगा, तेरे बदन से खून का एक एक कतरा निचोड़ूंगा, तेरी बोटी बोटी काट कर चील और कुत्तों को खिलाऊंगा। मौत को तू सस्ते सौदे में खरीदना चाहता है मजदूर। खाली मेरी झोली भर दे खाली रे, तेरी राम करे रखवाली। मेरी झोली भर दे खाली, मेरी झोली भर दे खाली रे, तेरी राम करे रखवाली।
पैसा देवे पैसा पावे, पैसा देवे पैसा पावे, सुन ले रे बाबा। जैसा देवे वैसा पावे, जैसा देवे वैसा पावे, दिया लिया तेरे संग चले, दिया लिया तेरे संग चले, ये जग की रीत निराली, ये जग की रीत निराली, रे तेरी ना करे रखवाली, मेरी झोली भर दे थाली, मेरी झोली भर दे थाली, रे तेरी ना करे रखवाली। सौ का छुट्टा है आपके पास? नहीं सर। नहीं, चुप रहे। हाँ चुप रहे। अरे चार पैदल का चार खेचा हुआ। जब देखो जब ये गाड़ी स्टार्ट होने को तीन घंटे लगाती है। कम वक्त इस गाड़ी ने तो नाक में दम कर रखा। तू हट ना, ला पाना ला। लो लो, हजार मरतबा कहा कि इस खटारे को फेंक दो, लेकिन हमारी मानता ही कौन है। करो अभी काम। भैया याद है कुछ? अरे इसको क्या बोलते हैं, ये खराब हो गया है, क्या बोलते हैं इसको? अब खफा क्यों होते खाओ? हाँ ये चीज को पसीना आया, ये क्या है?
अब वो उधर वो गिला हो गया है, वो वायर निकला हुआ है, देखते तो नहीं? नहीं ठीक है ठीक है, कार्बेटर में कचरा आ गया होगा। तू बकवास बंद करेगा या नहीं? नहीं तो ऐसा मारूंगा कि सर के दो टुकड़े हो जाएंगे। लो जहां हमने मशवरा देना शुरू किया कि हमारे सर के टुकड़े होना शुरू हो गए। आपको आपकी गाड़ी मुबारक, चल जाए यहां से। जाता है। भैया कुछ देर हो तो मैं ग्रामोफोन बजा लूं, आप मोटर में रहिए और मैं ग्रामोफोन में। कौन है यार, इनको दिन के वक्त भी दिखाई नहीं देता, रात हो तो एक बार, ब्लैक और भी तो है नहीं। भैया भैया, अरे तुम कहाँ गए? ओ आप हैं। हेलो नॉनसेंस, किसकी गाड़ी है, हटाओ। व्हाट? हटाते हटाते, बिगड़ते क्यों? नहीं आप खावा खा क्यों बिगड़ रहे, हम तो ऐसी कुछ बोले। भैया मिस ओके। गाड़ी चलाना भी आते हैं? सीख लेंगे, आपकी मेहरबानी होनी चाहिए और कुछ नहीं। अरे बाप रे, संभालना भैया। माफ कीजिएगा, आपने अपनी गाड़ी में लो चुंबक बांध रखा है, देखिए ना मेरी गाड़ी और आपकी गाड़ी। मुझे आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। जी लेकिन मुझे रंज हुआ। क्यों? फाइव गैलन्स? अरे बाप रे, ये आप क्या कह रही हैं? पेट्रोल राशनिंग का जमाना है, जरा कम खर्च किया करो। रामू किधर हो? अरे हाँ। पानी डालो, गर्म हो गई। मोटर के। अरे आज खबरदार, हम पहला आया है, तुम हमसे फास्ट नहीं भाग सकती हो। रामू। हाँ कौन है? क्या है? अरे यू फूल, भैया बंद कर जाओ ना ये। भैया ठंडा है। भैया आओ, ये बंद नहीं होता, देखो भैया बंद नहीं होता। तू दिखता नहीं, करा कहीं का, आपकी मेहरबानी से हजार मरता बका, और को के सामने मत मारा करो। अरे आप क्यों तकलीफ करती है, हम जो मौजूद है, अरे हम लोग पैदा हुए आप लोगों की मदद के लिए, मदद के लिए, फ्री एयर सर्विस मदद। अरे भैया ये काम तुम्हारा है, हमारा नहीं है। हाँ क्या हुआ भैया? क्या हुआ भैया? अच्छा यार बताओ, किसको किसको भोगता है? मारे उड़ा दे। भैया ये मिस साहिबा को बुलाओ, मिस साहिबा ये कुत्ते को बुलाओ। देखो फिर हम काट खाएंगे, तुम नहीं कहना कि तुम्हारे कुत्ते क्यों काटा हमने। हाँ हम बोलते हाँ ठीक है। अरे जाना जाना, बुला रही है जा। गनबोट यहाँ आओ। मैं बहुत दिलगीर हूँ। दिलगीरी से काम नहीं चलेगा, मैं जाऊँ कैसे? आपके पास स्टेपनी हो तो लाइए, मैं अभी चेंज कर दूँ। जी मेरे पास नहीं है। स्टेपनी नहीं है आपके पास? तो आइए मेरी गाड़ी में तशरीफ रखिए। हाँ आप बैठिए बैठिए, हमारे हुजूर ऐसे मामले में बहुत तजुर्बेकार हैं, यानी एक्सपर्ट हैं।
आइए। अरे भैया कुत्ता भी बैठेगा तो अभी हम पीछे। हेलो दोस्त, तुम हमारा दोस्त है, हटना वटना नहीं है। क्या अब मैं पूछ सकता हूँ आपका नाम? बंदे को निरंजन कहते हैं और मैं मोटर मैकेनिक हूँ और आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। जी। मैं आपका शुभ नाम पूछ सकता हूँ? ओह, आप क्या जवाब देंगे? और आपकी बोली तो मैं जान ही नहीं सकता। सिगरेट? सिगरेट नहीं पीते आप? बड़े मजा आता है साहब इसमें। ओह आई एम सॉरी, शायद आपको सिगरेट से नफरत है, है? जी। अरे क्या आपको सिगरेट से नफरत है? लीजिए बुझा देते हैं। अरे रे साहब गुदगुली हो रही है, क्या कर रहे? अरे सिगरेट, अरे रे क्या कर, अरे रे लीजिए। दो पैसे बचाने लगे थे, 3.5 आने की चपत पड़ी। आइंदा साहब आपको कभी ऑफर नहीं करेंगे। गंगोट गो। अब आप जा सकते हैं। रामू आप कुछ फरमाते हैं, क्या कहना चाहिए? यही कि नहीं जाएंगे। बिल्कुल ठीक, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। क्यों? इसलिए कि हम चाहते हैं कि आप अपना नाम बताइए। और मैं चाहती हूँ कि अपना नाम न बताऊं। रामू फिर वही रिपीट प्रोग्राम। देखिए देखिए सरकार, हमारे कहने का मतलब ये है कि एक खुशरो जवान, एक हसीना से हम कलाम हो, फिर वो हसीना अपना नाम न बताए तो ये 20वीं सदी की तहजीब के बिल्कुल खिलाफ है। क्यों भैया? हाँ भैया, औरत है, औरत है, तुम औरत। भगवान मेरी मदद कर, मेरे नाम से तुम्हें क्या मतलब? शायद कुछ दिलचस्पी हो। एक शरीफ औरत से इस तरह की छेड़छाड़ अच्छी नहीं। मैं कहती हूँ कि उल्टे पांव वापस जाओ, वरना अच्छा न होगा। ओह शराफत का इम्तिहान हो रहा है भैया। फिर भैया आपके मुंह से फूल खा रहा। अच्छा तो मैं जमा करूँ? जाते हो या बुलाओ दरबार को? जाते हैं जाते हैं, हमारे सरकार जो यहाँ चरण कमल लाए हैं उनका स्वागत तो करो। सावन भादो। बोले भैया। अच्छा बारिश भी आपके कब्जे में है? इनका नाम है? बाहर निकालो। बहुत बहुत अच्छा। अच्छा जी तो आप लोगों का नाम सावंत और भादो है? हाँ भादो सर। देखना है जेल तो नहीं निकला। निकल गया। क्यों मारने वाला पहले गया है? मारने वाला पहले गया। तुमने अभी तक मेरा पीछा नहीं छोड़ा। इसलिए कि अभी तक हमारा मतलब हल नहीं हुआ। ठीक है, आखिर तुम चाहते क्या हो? हम रामू हम चाहते क्या है? यही के अरे यही के खाए यहाँ, पिए यहाँ, सिगरेट यहाँ, पान यहाँ और सोए भी यहाँ। हाँ हाँ ठीक है। अरे भाई रामू, नौकर से जरा चाय वाय के लिए तो कहो। ओहो देखो जी, कोई चाय वाय का बंदोबस्त करो, हम तुम्हारे मेहमान है, मेहमान।
और वो साहब कौन है? कौन साहब? वो 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 तुम्हारी बहन के मेहमान है। ओहो, बड़े नसीब वाले हो भैया। तशरीफ रखिए, मुझे डर है कहीं आपके पैर ना दुखने लगे। बिजली ने अभी अभी कहा, माफ कीजिए मुझे आने में देर हो गई। कोई मजाक ना नहीं। नहीं बताया, यही है आंखों में बसने वाले साजन। चुप रहो। सावन, भागो, निकालो इनको बाहर। अरे बुलाने की कोई जरूरत नहीं, हम खुद जाते। जाओ, बैठिए जी आप, जाओ। नहीं जी, आप बैठिए। एक दिल किसकी माने, आपकी या जनाब की? हम जाते। जरा ठहरो ठहरो ठहरो। ओहो, आइए आइए आइए, जरा ठहरो। हाय बाबरे, हाय के बच्चे। आपकी तारीफ, आपके चचा, हमारे चचा तो लड़ाई को गए। चलिए अब आप भी। जरा ठहरो। अरे अरे चल, कहाँ? जरा ठहरो। अरे कहाँ? मुझे बहुत अफसोस है आप लोगों की हालत पर। क्यों? इसलिए कि बहुत बेआबरू होकर तेरे कमरे से जाता हूँ। चुप रहो। मैं बगैर चाय पिए हुए यहाँ से नहीं। आप बैठिए, मैं अभी चाय लाता हूँ। चाय? कुछ नहीं, यहाँ से चलो जाओ। जल्दी आइए चाय जल्दी। अरे भाई, हम खाना खा के जाएंगे भाई, ऐसा नहीं। अरे खाने के बस से तू अभी। आप कम से कम अपना नाम तो बताइए। जाओ यहाँ से। ये कैसी उधम मचा रखी है? ये शरीफ आदमी का मकान है या कोई भजियार खाना? कौन हो तुम? मैं? हाँ तुम। मैं आपसे पूछिए ना। और तुम कौन हो? जी मैं इनसे पूछिए। हैं? इनसे पूछिए, उनसे पूछिए, सब जानवरों से पूछिए, तो फिर पता ही क्या चलेगा। वीना, सच बता, ये बदमाश कौन है? जी पिताजी, पिताजी ये तो माधुरी बहन के मोटर वाले हैं। हैं? हैं? टैक्सी का किराया बाकी है साहब तक। जी हाँ, पैसे वैसे का कुछ किराया बाकी है? नॉनसेंस, ये लो और निकल जाओ यहां से। थैंक यू। क्या घर की मोटर घास चरने गई थी जो टैक्सी में सारा शहर घूमती फिरती हो? आप नहीं, आप सरकार तशरीफ लाई हैं। है? कौन ये थी? मधुरी? मिल गया भैया। फिर भैया? वो भैया मधुरी नाम मिल गया। चुप रहो, उनसे किसने पूछा? तो तुमसे कौन कहता है? जानवर कहेंगे। ठीक है। हाँ, इधर देखो जानवर, उधर देखो जानवर, जानवर जानवर कहेंगे। आप ठीक कहते, मैंने भी इनसे पूछा कि अपना नाम बताइए, तो बताते नहीं। जानवर जानवर, मेरा अपमान, राय बहादुर बिहारी लाल का अपमान। गेट आउट, गेट आउट, बुढ़ा निकला, गेट आउट, गेट आउट, बुढ़ा निकला, गेट आउट, फूल, बुढ़ा निकला, गेट आउट, फूल, बुढ़ा निकला, गेट आउट, गेट आउट, गेट आउट, गेट आउट, गेट। देखो जी, है गवर्नमेंट ने आपको राय बहादुर का खिताब दिया है, लाठी नहीं। गेट आउट। नहीं नहीं पिताजी, झट मारी जो जल्दी से रिटायर हो गए, वरना ये मुसीबत न मोल लेनी पड़ती। मुजरिम हूँ मोहब्बत का, जो चाहे सजा देना। मुजरिम हूँ मोहब्बत का, जो चाहे सजा देना। मुजरिम हूँ मोहब्बत का, जो चाहे सजा देना।
पर याद रहे इतना दिल से न बुला देना, पर याद रहे इतना दिल से न बुला देना। मैं दिल तुम्हें देता हूँ लेकिन कह देता हूँ, मैं दिल तुम्हें देता हूँ लेकिन कह देता हूँ, मुझको तो मिटाया है इसको न मिटा देना, मुझको तो मिटाया है दिल को न मिटा देना। आराम न है दिन को और नींद न रातों को, आराम ना है दिन को और नींद ना रातों को, बीमार किया तुमने अब तुम ही दवा देना, बीमार किया तुमने अब तुम ही दवा देना। वो गुजरी हुई बातें रातों की मुलाकातें, वो गुजरी हुई बातें रातों की मुलाकातें, भूले से जो याद आए दो आंसू बहा देना, भूले से जो याद आए दो आंसू बहा देना। मुजरिम हूँ मोहब्बत का जो चाहे सजा देना, पर याद रहे इतना दिल से न भुला देना। जनाब की सवारी कहाँ चली? जहाँ दिल ले जाए। ओहो, तब तो आपके दिल के साथ हमारे हजरत दिल भी तशरीफ ले जाए तो आपको कोई एतराज तो ना होगा? कहाँ, हाय कुछ न पूछो, आ ही गया दिल ही तो है। बालम आए बसो मोर मन में, बालम आए बसो मोर मन में, बालम। देवदास के बच्चे, पहले देख मैं कैसा दिखता हूँ। सच बता दूं बुरा तो न मानोगे? हूबहू याकूब दिखते हो। चुप है, वो तो विलन है। अरे भाई मोटर अच्छी कंडीशन में है ना, तो फिर हमको रिकॉर्ड बजाना पड़ेगा। चल चल, ये हजामत की पेटी कहाँ लिए जा रहा? ये हजामत की पेटी नहीं है, इसमें मोहब्बत का सामान है भैया। फिर भैया सॉरी, स्विच ऑफ कर। अरे सुनो भैया, ये जरा पकड़ लो। समाए पियाने
जान ना दूंगी अपनी नजर से, जान ना दूंगी अपनी नजर से, आन ना दूंगी सपना नगर से, आन ना दूंगी सपना नगर से, डाल के इन पलकों के पर्दे लूंगी पूने छुपाए, डाल के इन पलकों के पर्दे लूंगी पूने छुपाए, पिया नैनों में पिया नैनों में आन समाए, चाहूं पर कैसे सो जाऊं, मैं सोना चाहूं पर कैसे सो जाऊं, मैं सोना चाहूं पर कैसे सो जाऊं, नैनन से जब नैना लले तो नींद कहां से भैया, मंजिल मकसूद पर पहुंच गए। अबे ये तो बता, अब यहाँ क्या झकमार में आया? देखो भैया, हाँ किसी के जाति मामला में दखल देना अच्छा नहीं, हमने कभी तुम्हारे और उनके मामले में कभी पूछा था भैया तुमसे? भैया तुम हाथापाई बराबर वाले से, हाथापाई बराबर वाले, हम सिंगल फसली वाला आदमी, तुम एक फटका मारेगा हम मुलुक पहुंच जाएगा। ए, जरा यहाँ तो आप बात तो सुनो, ये तो बता कि सब सामान लेकर चला कहाँ? क्या किसी के दिल पर डाका डालेगा? हाय, तुमने तो मेरे दिल की बात ताड़ ली। अरे वारे मेरे प्रेम के कीमियागर, अप टू डेट लवर हूँ भैया, अप टू डेट लवर हूँ, हाँ लेटेस्ट मॉडल मजनू 1942। जब ही आपने इसमें मोहब्बत के औजार भर रखे हैं। ये आपको कैसा मालूम है? देखना है, मैं बताऊं इसमें। ये क्या है साहब? पाउंड क्रीम है ये, किस लिए? ये चेहरे पर इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, हाँ वो गया गालों पर। जी हाँ, और ये है लिपस्टिक। लिपस्टिक? लिपस्टिक, लिपस्टिक, हाँ लिपस्टिक। फोटो, 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 वो गया यहाँ सुर्खी जो। जी हाँ, और ये इसमें दो बातें हैं। वो क्या थी? इसके अंदर एक आईना है और पफ है, पफ पफ पाउडर। कब इस्तेमाल किया जाता है? कब? ये ट्रेन, मोटर, सिनेमा और बसेस वगैरह में कभी उनको जरूरत पड़ती है। वाह वाह वाह, ये तो बड़ी अच्छी चीज है। बहुत अच्छी है, आपने तो मोहब्बत में गोया तमाम बाजार खरीद लिया है। जी हाँ, सस्ते मिल गया था। और ये क्या कहते हैं, और भी चंद चीजें हैं। चुपे चंदीदास के बच्चे, चल जा यहाँ से, ले जा अपना मनुष्य चेहरा। सुन लिया, देख लिया, अब कहते चले जाओ यहाँ से। जैसे हमें मालूम ही नहीं था। तुम्हें मालूम रहा, फिर पूछा क्यों? दुनिया बड़ी मतलब ही है। आए पड़े। Thank you.
सकते हैं कि बिजली कहाँ रहती है यहाँ ऊपर? वो आप तो नहीं बोल सकती, आप स्टैचू हैं। कोई बात नहीं, हम अपनी दर्द भरी आवाज से उसे बुलाएंगे। आप यहीं ठहरिए, हम अपनी दर्द भरी आवाज से बुलाएंगे। पांडुरंग ध्यान मराठी नहीं समझती। मेरा सलाम ले जा। सलाम ले जाने की कोई जरूरत नहीं, हम यहाँ मौजूद हैं। कोई ऐसा गाना गाना चाहिए कि वो सोते सोते उठ जाए। उठ 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 जा, उठ जा, उठ जाओ बिजली प्यारी, उठ जाओ बिजली प्यारी, उठ जाओ। अरे उठ जा बिजली, अरे उठ जा उठ जा उठ जा बिजली, मेरी प्यारी बिजली। अरे मेरे दिल की पुकार तेरे कानों तक नहीं पहुंची। अरे ये सिकंदर महाबिदौलत लग गया। महाबिदौलत तेरा मुखा अरे चमकता ऐसे जैसे चांद चमकता रहता है, जैसे रहता है, जैसे चांद चमकता रहता है। दीवाना बनाना है तो दीवाना बना दे, दीवाना बनाना है तो दीवाना बना दे, दीवाना बनाना है तो दीवाना बना दे। वरना मुझे हाँ, वरना मुझे थाने का पागल खाना बता दे, वरना मुझे थाने का पागल खाना बता दे, वरना मुझे थाने का पागल खाना बता दे। ओ देखने वालों मुझे, अरे बाप, ओ देखने वालों मुझे, मुझे खिड़की से न देखो, हाय ये बिजली कहीं, अरे ये बिजली कहीं तुमको मुझैसा न बना दे, ये बिजली कहीं तुमको मुझैसा न बना दे, ये बिजली कहीं तुमको मेरी फरियाद सुन। अरे बाप रे, अरे मेरी फरियाद सुन लो, है थक गया चिल्लाते चिल्लाते। अरे जरा इस हुस्न की दौलत से कुछ मुझको भी दे जाते। लग गई चोट कलजवा में, हाय राम लग गई। अरे भाई क्यों आ रहे, अरे 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 भाई का राम कलजवा में, अरे क्यों मत, अरे भाई हमने, हाय राम, जानवर चलो बेटा अंदर चलो। अरे मोटर कहाँ गई?
आप उन दोस्त है ना, हम लोग मोटर में बैठे हुए थे, आप खामखा खामखा हम लोग आप देखिए ना खामा निकलते मोटर में हम बैठे हुए थे, आपने हमारे सिगरेट फेंकी। माधुरी माधुरी कहाँ गायब हो गई? कौन हो तुम? चाहते क्या हो? करो क्या सुनाई नहीं देता तुम्हें? चाहते क्या हो तुम? साफ तो नहीं कहते रुपए कृपा कंसो है तुम अंदर जान नहीं सकते। आप अंदर नहीं जा सकते। आखिर क्यों नहीं अंदर जा सकते? मैं कहता हूँ ये जगह खास आदमी की है। खास आदमी के लिए तो आपने मुझे मामूली आदमी समझ रखा। मैं कहता हूँ वहां तक आ वरना झगड़ा हो जाएगा। अच्छा तो जाओ। एक कप दूध मसाले का लाओ। यहाँ तो नहीं मिलता साहब। अरे भाई कहीं से भी लिया। ओए बस गई। मेरे कदरदानों, मैं आपके सामने अपनी मशहूर और मारूफ डांसर रानी को पेश कर रहा हूं, जो हमारी क्लब में आने वाले लोगों की तफरी को दोबाला करने के लिए एक टेप डांस दिखलाएगी। मुलाजा फरमाइए। Thank you.
नाच पसंद आया आपको? कैसी अच्छी लड़की है, कैसा सुंदर नाम मधुरी, और ऐसी बेहया। बड़े घराने की लड़की टट्टी की आड़ में शिकार खेलती है, दोधारी छुरी। अजी छोड़ो भी, दुनिया है गोल, बाहर से टिप टाप भीतर पोलम पोल। लो पियो। माफ कीजिए, मैं नहीं पिया करता। देखो रानी, ये शख्स मुझे सीआईडी का मालूम होता है। इसमें घबराने की क्या बात है मेरे आका, हुक्म दीजिए। तो मस्ती भरी आंखों की शराब। शाबाश, जाओ। हेलो अजनबी जवान। ओ मैंने कहा, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकती हूँ? ओ आप तो बहुत नाराज मालूम होते हैं, क्या मैं आपकी नाराजगी दूर करने के काबिल नहीं हूँ? खामोश बेहया, फरिश्ते की शक्ल में शैतानियत का बाजार गर्म करने वाली हुस्न की मलिका, मुझे मालूम न था कि तेरी नफसानियत और इखलाकी कमजोरियां तुझे इस बच्चनी के दोज़ख़ी ग़ार तक खींच लाएंगी। क्या कहते हैं आप? मैं जो कुछ कह रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करो माधुरी। माधुरी, मेरा नाम तो रानी है राजा। रानी जो राय बहादुर बिहारी लाल के मकान में मासूमियत और निर्दोषता की पुतली माधुरी बनकर घूमती फिरती है, और इस मनहूस जगह में आकर रानी बन जाती है। रानी, वाकई तुम मेरे दिल की रानी बन सकती थी, लेकिन अब तुम रानी हो शराब और ऐशो इशरत की जहरीली हवा से भरे हुए इस जहन्नम की। तुम रानी हो होशो हवास खोकर शैतानी सल्तनत में आने वाले इन हैवानों की। तुम्हें हो क्या गया? क्या हो गया बदकार? अपनी बेशर्मी से पूछ, अपनी बदचलनी से पूछ, अपने काले करतूतों से पूछ। मैंने तुझे आबे हया समझा था, लेकिन तू जहरे कातिल निकली। मैंने अपनी उमंगे, अपनी मुरादे, अपने धड़कते हुए दिल को सीने में छिपाए रखा था। मुझे यकीन था कि एक न एक दिन दिलो दिमाग की मलिका से राजे मोहब्बत कहकर अपने अरमानों की दुनिया को आबाद करूंगा, लेकिन अब इस आबे हयात को नोश करके एक नई दुनिया में आबाद हो जाऊं। चली जा मेरे सामने से, अपना मनुष्य चेहरा दिखाकर मेरे पाक ख्यालातों को नापाक मत कर। मेरी इंसल्ट, मेरा अपमान। जाओ। ओ तिस्मार खान, क्या इसे अकेला ही समझ रखा है? ये कोई मामूली नाचने वाली नहीं, यहाँ की परी है परी। ओ मिस्टर, ये तुम्हारे चचा का मोहल्ला नहीं जो तुम अकड़ रहे हो। जी हजरत, वो तो मोटे ताजे लेकिन दांत खट्टे हो जाएंगे, चारों कोने चीत गिरोगे। थैंक यू। देखो जाने न पाए। Oh!
पार्टनर। क्यों कैसी भाई? देखते क्या हो, पीछा करो। वह दोस्त चीज को अच्छी लाया, अब मुकाबला ठीक रहेगा। भाई ने भाई खाम खा आप गुस्सा होते हैं, देखिए ना हमने कितना अच्छा आपको गाना सुनाया। भाई हम दो तीन मर्तबा आपको मिल चुके हैं, हमको आपकी और हमारी तो दोस्ती होनी चाहिए। देखिए ये, अरे ये तो मधुरी की मोटर है, आपकी मेम साहब की मोटर है, यहाँ कुछ मामला, हमारे भैया की मोटर, यहाँ कुछ गड़बड़ जरूर है। देखिए देखिए वहां कुछ गड़बड़ है, हाँ वहां बत्ती सिलगी हुई है। चलिए हम दोस्ती बना ले, आपकी और हमारी दोस्ती। हाँ थैंक यू, चलो खंडा। तुम अपने कमरे में जाओ, मैं अभी इन बदमाशों को ठिकाने नहीं देता हूँ। हेलो मधुरी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे तुमने मुझे नहीं बैठाना, मैं रामू निरंजन का दोस्त। अरे छोड़ दो, उन्होंने मुझे पहचाना भी नहीं। इसके बाद क्या करा? बत्तियां तो सब खुलगी। अब समझा, कम लो नहीं। आपने आदमी को बचाओ, एक ठोसा गलती में लग गया हूं, कोई मर रहा है। हमको मार दे रहा है, कोई मारा था क्या? भैया 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 फिर भैया, हर वक्त भैया भैया। मारते क्यों? मैं उन लोगों को ऐसे बताता हूँ, दुखा भी पकड़ दू। देखा आपने, ये है हमारे चपड़ कंचू दोस्त, ऐसे वैसे कामों में बहुत रुचि। आप आ रहे, आप आ रहे, थोड़ी देर आराम करो, फिर बुलाएगी तुम्हारे। चलिए भैया, हमारा काम तो सब हो गया, अगर आपका कोई काम बाकी है तो जल्दी कर लीजिए। चलिए आइए आइए, जल्दी तशरीफ लाइए। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने मेरी बड़ी मदद की। आइए जल्दी आइए। मेरा ख्याल है कि आइए तस्वीर रखिए। क्यों अबे तू कहाँ चला? क्यों? और वो हजरत कहाँ गायब हो गए? वो हजरत पूरा छू हो गए, हवा में मिक्स। भैया इस कामरू देश से कहीं दूर निकल चलो, समझे? यहाँ तो किसी ने यूं किया कि आदमी गायब, हमें भी कोई तोता या मुर्गा बना दिया, सिवाय टेंटे और कुकड़ा। चुप रहे,
हर वक्त तेरी जुबान कैंची की तरह चला करती है। चल गाड़ी में बैठ जा। जनाब आपसे कुछ कहना चाहती हैं? मैं ऐसी आवारा औरत से बात नहीं करना चाहता। अच्छा फिर मिलेंगे। कितनी सुहानी होती है रमेश। होती होगी, इसे हमें क्या। क्यों, क्या तुम्हें चांदनी रात में कोई लुत्फ हासिल नहीं होता? हमारे लुत्फ की बात पूछती हो। लुत्फ तो तब हासिल हो जब। हाँ हाँ, जब क्या? जरा नजदीक आओ तो कहो। अच्छा लो, और जरा ये लो। जब एक चांद आसमान पर हो और एक इसी तरह बगल में। फोटो भी? ये क्या? ये है चांदनी रात का सच्चा मजा। ये मजा है, लेकिन इसकी सजा का भी ख्याल है हजरत को? मोहब्बत के मुजरिम सजा का ख्याल करते ही नहीं। हमारा दिल तो इन काली काली जुल्फों में फंसा है, इससे ज्यादा सजा और क्या होगी। बातें बनाना तो खूब जानते हो। नहीं, तुम्हारे सर की कसम बिना, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। ये तो कई बार सुन चुकी। ठहरो ठहरो, कहीं वो पुराना राग न शुरू कर देना। मृगनैनी, चंद्रमुखी, गजगामनी,
और इस पर भी न रहा गया तो गाना शुरू कर दोगे। तुम ही ने मुझको प्रेम सिखाया। तुम ही ने मुझको प्रेम सिखाया। अरे छोड़ो, वो तो बहुत पुराना गाना है। हाँ हम तो कहेंगे, क्या कहेंगे, हाँ चलो संग चले हम, चलो संग चले हम। आओ बिना, प्रेम का संदेश सुनाने वाले चांद को गवाह बनाकर इकरार करें कि हम तुम कभी एक दूसरे से जुदा न होंगे। होश की दवा करो बिना, भूल का रास्ता इख्तियार न करो, आगे कदम बढ़ाया तो पछताओगी। आखिर हुआ क्या, साफ साफ क्यों नहीं कहती? साफ साफ यही कि रमेश तुम्हें दगा दे रहा है, ये इस काबिल नहीं कि इसका इतबार किया जाए। कह क्या रही हैं आप, कुछ नशा वशा तो नहीं किया? जी नहीं, हम लोग उन जलील आदमियों में से नहीं जो नशा पीकर शरीफ घराने की बेटियों को बहकाते हैं। चलो बीना, इनसे बात करना भी गुना है। आखिर कोई वजह भी बताओगी? वो मौका आने पर बताई जाएगी। बहन माधुरी, तुम खामखा मुझ पर इल्जाम लगा रही हो, इसका कारण तुम्हें इसी वक्त बताना पड़ेगा। कारण बताने का मैंने कुछ ठेका नहीं लिया, पहले जाकर आईने में अपनी शक्ल तो देखो। ठहरो माधुरी, बीना को बहकाने की कोशिश न करो, इसे नसीहत करने से पहले तुम अपने गरीबान में मुंह डालकर देखो। मेरा दिल तो आईने से ज्यादा साफ है। लेकिन मेरी आंखें तो बहुत कुछ देख चुकी हैं। क्या, साफ साफ क्यों नहीं कहते रमेश? वो सब कुछ मैं फिर बताऊंगा, लेकिन फिलहाल मैं यही कहता हूँ कि माधुरी के साथ तुम बातें न किया करो। आखिर क्यों? मेरा यही कहना है। आया बड़ा कहने वाला। चलो बीना। हम अपने दर्द का किस्सा सुनाए जाते हैं, हम अपने दर्द का किस्सा सुनाए जाते हैं। हम अपने दर्द का किस्सा सुनाए जाते हैं, वो हंस रहे हैं हम आंसू बहाए जाते हैं, वो हंस रहे हैं हम आंसू बहाए जाते हैं। तरस रहे हैं इधर इधर हम तो देखने के लिए, तरस रहे हैं इधर इधर हम तो देखने के लिए उधर वो चेहरे को अपने छुपाए जाते हैं, उधर वो चेहरे को अपने छुपाए जाते हैं। मुझे मिटा के भी छोड़ा न उनकी उल्फत ने, मुझे मिटा के भी छोड़ा न उनकी उल्फत ने। भुला रहा हूँ मगर याद आए जाते हैं, भुला रहा हूँ मगर याद आए जाते हैं।
के फिर उन्हें बेहोश कर दे ऐसा कि होश में तेरे दीवाने आए जाते हैं, कि होश में तेरे दीवाने आए जाते हैं। हम अपने दर्द तक सांस लाए जाते हैं, वो हंस रहे हैं हम आंसू बहाए जाते हैं। किस सोच में बैठे हैं मेरे आका? मैं ये सोच रहा हूँ रानी कि हाथ से छटके हुए शिकार को फरमाइए कनीस को क्या करना होगा। राय बहादुर बिहारी लाल। हाँ रानी, याद है उस दिन उस शख्स ने तुमसे क्या कहा था? वो तो कोई पागल था, कहने लगा महादुरी, राय बहादुर की बेटी होकर ये सब तुम्हें जेब नहीं देता। तुमने पहले मेरा दिल चुराया, फिर तोड़ दिया, दीवाना कहीं का। नहीं रानी, वो ठीक कह रहा था। माधुरी राय बहादुर के यहां मिलेगी, वही मेरा शिकार है। दो दो बार हाथ से निकल गया, लेकिन अब क्या करेंगे? वही करूंगा कि शिकार शेर के पंजे में खुद ब खुद आ जाए। अच्छा रानी, होशियार रहना, मैं चला। ओहो, आ गए मेरे प्रीतम। प्रीतम, हाय, कलेजा तीर के पार हो गया। नहीं नहीं नहीं, तीर कलेजे के पार हो गया। बालम। हाय, फिर कहो। कहो बालम। फिर कहो बालम। बस कहते जा दुगन में। बालम बालम। फिर कहो। डरती हूँ कहीं मेरा भाई ना आ जाए। डरपोक कहीं की, भाई से डरती है? आएगा तो क्या करेगा? मेरी और तुम्हारी खोपड़ी गंजी। चल 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 चल, बड़ा खोपड़ी गंजी करने वाला। हमने बहुत से भाई लोग देखे हैं, कौन सा बड़ा खोपड़ी गंजी करने वाला है? ओ बिजली वाला। हाय वो आ गया। कौन आ गया? भाई। भाई किधर है? बिजली ओ, ओहो बिजली वा, कहाँ हो? बोल, ये तुम्हें नमस्ते, किंगकॉन्ग का चचा मामा था। बैठ बैठ, न जाने कहाँ मर गई बिजली वा। बहादुर, बहादुर ले चलो। अरे रे, कचरा हो गया तो किसने खोला ये दरवाजा? अच्छा तो कसम खाओ कि मुझे कभी नहीं छोड़ोगे? अरे कसम क्या, कहो तो दस्तावेज लिखकर रजिस्ट्री करवा दूं। बस और कुछ नहीं? अरे कुछ कुछ क्यों नहीं, आज से हमारी साइकिल जिंदगी के रास्ते पर चार पांव से दौड़ेगी। तो चलो। बस चलने की देरी थी कि बस चल। चलो। चले उस देश सजनी जहाँ हो प्रेमा भार, चलो चले उस देश बिजली जहाँ हो प्रेमा भार। जान हो दुख का ब्लेकाओ, जान हो दुख का ब्लेकाओ, जहाँ से हम हो ना डरनाओ, जहाँ से हम हो ना डरनाओ।
पिए सदा प्रेम की स्टाउट पिए सदा प्रेम की स्टाउट कभी न हो होशियार सजनी जहां हो प्रेमा पार कभी न हो होशियार सजनी जहां हो प्रेमा पार चलो चले उस देश सजनी जहां हो प्रेमा पार चलो चले उस देश बिजली जहां हो प्रेमा पार ग्यारह बज गए ख्याल रखो बड़ी होशियारी से काम लेना जी चुप रहो ले चलो पिताजी की ऐनक पिताजी सावन भागो सेठ जी सेठ जी को कोई उठा ले गए जा जल्दी जा पिताजी को उठा ले गए पिताजी बहन अब हम क्या करें पिताजी के बिना कैसे जिएंगे रमेश को बुलाओ पुलिस को खबर दो शांत रहो वीना घबरा मत मैं सब कुछ ठीक कर लूंगी हेलो माधुरी मुझे मालूम है कि तुम पुलिस की मदद जरूर लोगी मगर खबरदार अगर ऐसा किया तो मैं राय साहब का काम तमाम कर दूंगा हिम्मत हो तो खुद मुकाबला करो मुकाबला किसका फोन था क्या कहा बताओ कैसा मुकाबला कुछ नहीं वीना तुम आराम करो नहीं माधुरी पहले पुलिस को फोन करो मेरी तबीयत घबरा रही मैं फोन करूंगी वीना पहले फोन मत करो क्यों फिर बताऊंगी मैं पिताजी की तलाश में जाती हूँ मगर पुलिस पुलिस की मदद की जरूरत नहीं मैं तुमसे वादा करती हूँ कि पिताजी को 24 घंटे के अंदर वापस ले आऊंगी लेकिन तुम्हारे साथ कौन जाएगा ये मुआ जो है ले जाइए ना इन्हें या पड़े पड़े खटिया जो तोड़ते हैं क्या हम खटिया तोड़ते हैं झूठ बिल्कुल झूठ एकदम झूठ मैं चलूं आपके साथ नहीं बिजली हाँ सुनो उस दिन वाले ये जरूरी चिट्ठी उन्हें दे देना हाँ हाँ मैं जरूर पहुंचा दूंगी माधुरी ये सब तुम क्या कर रही हो जरा देखती जाओ एक दिन तो अपनी बहन पर भरोसा रखो आराम क्या करें तुम्हारा सर एक तो तुम्हारी मोटर दम लेने नहीं देती दूसरे कर्ज वाले जान खाए जा रहे हैं अबे चुप भी रहेगा ये नहीं चुप रहे भी तो कैसे मकान का किराया लाइन कट बत्ती गुल कहने को तो मोटर नहीं कहने नल में पानी नजर आ रहा
देख फिर कोई मुसीबत नाजिल होगी। मालूम तो ऐसी होता है, आ गए जान के गाहक। और देख अगर कोई हो तो कह देना कि मैं घर में नहीं हूँ, मैं अभी यहाँ छुपे जाता हूँ। मैं कह दूँ? पूर इंडिया। हेलो भाई, आते हैं। आते हैं आते हैं, पैसे लोगे, जान तो नहीं लोगे? आइए आइए। आप कैसे रास्ता भूल गई, हम तो कोई और समझे थे। भैया आप आ गई। ओहो, आपके भैया पलंग के नीचे क्या कर रहे हैं? जी जी, आदत से मजबूर है, मोटर दुरुस्त कर रहे हैं। चलिए आप ही का घर है। भैया आपकी चिट्ठी, आपका नाम भी है। माधुरी बहन ने ये जरूरी चिट्ठी आपको दी है। मैं उसका नाम नहीं सुनना चाहता, मैं उसकी कोई चिट्ठी पढ़ना नहीं चाहता, जा ले जाओ। अरे ले लो भैया ले लो, ये लाई है, कोई जरूरी बात होगी। जरूरी वरूरी कुछ नहीं, मैं उसकी कोई चिट्ठी पढ़ना नहीं चाहता हूँ, जाओ वापस ले जाओ। अरे इनके ऊपर क्यों बिगड़ रहे हो तुम? वाह चुप रहे, जाओ चले जाओ। नहीं वाह, अरे ठहरो ठहरो ठहरो, मैं एक शर्त पर ठहरूंगी। वो क्या? इस चिट्ठी में लिखी हुई सब बातें अपने भैया से मनवा लो। मनवा लूंगा फिर? फिर मैं बस मत बोलो अब। हाय, अभी नहीं फिर। हाय, उसने फिर कहा, फिर क्या प्यारा लफ्ज है। तेरे वादे पे सितमगर अभी और सब्र करते, हाय हमें अपनी जिंदगी पर अगर एतबार होता। मेरी हमशक्ल, कौन हो तुम और मेरे कमरे में क्या कर रही हो? आहिस्ता बोलो। बहुत दिनों से तुम्हें मिलने की कोशिश कर रही थी, आज मौका मिला। मैं और तुम हमशक्ल क्यों हैं? मैं यही बताने के लिए तो आई हूँ। मुझे इन बातों से कोई वास्ता नहीं, जो कुछ कहना हो वो मेरे आका के सामने कहो। ये बात सिर्फ मेरे और तुम्हारे फायदे की है। खबरदार, उससे मत बुलाओ। हैंड्स अप। मुंह से आवाज निकली तो गनबोट रस्सी लाओ। अपने कपड़े उतारो जल्दी।
शुक्रिया आपका सिगरेट केस। रानी गंगोट छुप जा। आज आपके लिए एक नई भेंट। कौन? माधुरी? जी हाँ आपका शिकार। बेचारी आई थी मुकाबला करने। शाबाश रानी शाबाश। आज हमारे पाव बारा हैं। का नाम है खुशकिस्मती। हाँ अच्छा तो रानी तुम जाओ मैं अभी आया। देख आज मेरा इंतकाम पूरा होता है। तेरी दूसरी लड़की माधुरी जो खुद ब खुद मेरे पंजे में आ गई। मैं अपने किस्मत का आखिरी पासा फेंकता हूं तेरी आंखों के सामने ही माधुरी का काम तमाम करके रानी को माधुरी बनाऊंगा जो मेरे लिए दौलत और इज्जत लाएगी। लड़की पहचानती इस बूढ़े को? यही है तेरा बदनसीब बाप। और सुन वो लड़की रानी तेरी सगी बहन है जिसको मैंने अपने सांचे में ढाला है जो मेरे इशारे पर नाचती है और जो मेरे हुक्म से आज अपने बाप और बहन को मौत के घाट उतार देगी। बेवकूफ लड़की देखा नतीजा शिवनाथ से टक्कर लेने का। शिवनाथ किस्मत से भी टक्कर लेता है। तेरी क्या बिसात है पागल। किस्मत से मुकाबला करता है? किस्मत से ही नहीं बल्कि शिवनाथ ईश्वर से भी मुकाबला करता है। गंगोट तुम यहां? बेटा ये रस्सी खोलो जल्दी करो। गंगोट जल्दी करो। साहेबान आज शाम को 6 बजे मैं आप लोगों को जादू का एक अनोखा तमाशा दिखाऊंगा। यहाँ की मलिका और आपकी मानी हुई मशहूर डांसर रानी को आपकी नजरों के सामने तलवार से टुकड़े टुकड़े करके फिर जिंदा कर दूंगा। भाई ऐसा अजीब और गरीब खेल दिखाने के लिए मैं अपने चंद दोस्तों को लाना चाहता हूँ। इजाजत है? हाँ हाँ शौक से लाइए। शुक्रिया। समझाते समझाते नाक में दम आ गया। पत्थर भी मोम हो जाता है लेकिन तुम्हारा दिल नहीं पिघला। एक औरत तुमसे मदद मांग रही है। मदद देने में हर्जी क्या है? फजूल क्यों दिमाग चाटता है? मैं किसी की मदद नहीं करूंगा। किसी की नहीं सही मेरी मदद कीजिए।
उसमें तुझे क्या फायदा? बिजली खुश होगी, मेरा घर बसेगा, बच्चा होगा और वो तुम्हें अपना बाप, अपना बाप कहता हूँ, तुम्हें चाचा कहेगा। चुपे शेख चिल्ली के बच्चे, कभी देवदास के बच्चे, कभी चंडीदास के बच्चे, कभी इसके बच्चे, कभी उसके बच्चे, अब शेख चिल्ली के बच्चे। हमेशा हमें बच्चे ही बनाते रहोगे या किसी का बाप बनाओगे या नहीं? हमेशा बच्चे ही बनाते रहो तो बाप भी तो बनाओ। चलो भाई ये राम चले, तुम्हारी गाड़ी में ये रही चाबी। साहब चाबी दी, रख दे चाबी। चाबी नहीं रखता है, मोटर में जाता है। मैं कहता हूँ रख दे, नहीं थोबड़ा तोड़ दूंगा। थोबड़ा तोड़ना है, बाहर आके थोबड़ा पड़ो। बड़ा थोबड़ा फूलने आने आए। चाबी दे दे, चाबी दे दे। ना मेरी चाबी दे देने तो तेरी हड्डी पसली तोड़ के रख दूंगा। ये लो अपनी चाबी। देख रामू मान जा, मैं कह रहा हूं मान जा। माधुरी बहन और पिताजी का अभी तक कोई पता नहीं, आप पुलिस में खबर क्यों नहीं देते? आखिर चुप क्यों हैं? घबराओ नहीं, पुलिस को खबर देने की कोई जरूरत नहीं। क्यों नहीं है? फिर बताऊंगा। 7:30। अच्छा मैं चल, मत घबरा। इस तरह माधुरी का काम तमाम हो जाएगा। जब मैं ताली बजाऊं उस वक्त फौरन तुम बाहर निकल आना। जी। इत्मीनान से बैठिए और देखिए। पर भी अगर किसी को कुछ शक हो तो खुद आकर देख ले। अब मैं अपना असली जादू शुरू करता हूं। आराम से पहुंच गए, चलो अंदर चलो। कल मैंने ही अंदर गया था, दो गैलन पेट्रोल चलाते ना चाबी। अरे भैया, अरे भाई चलो ना, तुम्हें मेरी कसम, मेरी बिजली की कसम, मेरे होने वाले बच्चे की कसम, प्लीज तुम्हारा पाँव पड़ता, चलो ना एक बार चलो। खैर मैं अभी चलता हूँ अंदर, आइंदा ऐसी गलती की तो नॉक की डबल रोटी बना दूंगा याद आती। आइंदा ऐसी गलती होगी नहीं क्योंकि बिजली मेरी हो जाएगी। रानी को आपकी नजरों के सामने तलवार के टुकड़े टुकड़े करके फिर जिंदा कर दिया जाएगा। ये जादू नहीं, तुम खून कर रहे हो। सुनो लोगों, सुनो, एक ही शक्ल सूरत की मेरी दो बेटियां हैं, रानी और माधुरी। ये बदमाश मेरी बेटी को कत्ल कर रहा है। पागल कहीं का। भाइयों मैं पागल नहीं, मैं सच कहता हूँ, यही चेहरे मोरी की मेरी दो बेटियां हैं। इसे अंदर ले जाओ। ये ढोंग कर रहा है, तुम्हारी आंखों में दूर झोंक रहा है। सुनो सुनो सुनो। पागल, सचमुच पागल। साहिबान अब मैं जादू का खेल शुरू करता हूं।
ठहर जाओ। वो पागल नहीं, पागल तुम हो। वो जो कुछ कह रहा है ठीक कह रहा है। अब मुझे मालूम हुई तुम्हारी चालाकी। बकवास बंद करो। बकवास क्यों बंद करे? किसी के बाप का कुछ खाया है? बकवास बंद करो बोलता है। भैया चाकू। फिर भैया हैंड्स अप। सबके सब खामोश हो जाओ। अपनी हिफाजत के लिए सब गैलरी पर चले जाओ, नहीं तो सबको जेल जाना पड़ेगा। जाओ। ले जाओ इन कमीनों को, ले जाओ। भैया फिर भैया भैया अभी हमको जादू का खेल शुरू कर देना चाहिए। कौन हैं और ये क्या कर रहे हैं? मैं प्रोफेसर गुरुदास हूं और ये दोनों मेरे मददगार हैं। हाँ, लेकिन आप यहां क्यों आए? मुझे सरकारी हुक्म है, इस मकान की तलाशी लेना है। क्यों? शिवनाथ, हेलो शिवनाथ। भैया सुना, जादू के खेल में कितनी देरी है? अरे तुम्हारी तलवार कहाँ गई? समझा समझा, जादू है। भैया गोपाल, ये कौन पागल है? मैं पागल नहीं हूं, पहचानो मैं कौन हूं। शिवनाथ, अब तुम गिरगिट की तरह रंग नहीं बदल सकते। तो ये सब तुम्हारी शरारत थी। तुम ठहरो। वेल डिटेक्टिव साहब। वेल मिस्टर शिवनाथ, तुम्हारे पाप का घड़ा भर चुका है। जिसे तुम रानी समझते हो वो रानी नहीं, माधुरी है। माधुरी? हाँ
लोगों को गिरफ्तार कर लो। इसी ने मेरी जिंदगी बर्बाद की है, मैं कहीं की भी न रही। खबरदार, अगर किसी ने भी एक कदम आगे बढ़ाया तो गोली का निशाना बना दूंगा। माधुरी, तू ही मेरी बर्बादी का बाइस है। तूने मेरी उम्मीदों को खाक में मिला दिया, अब अपनी आरजुओं को खून में तड़पते हुए देख। रानी, तू मर गई, तू तो मेरे हाथ का एक खिलौना थी। माधुरी, अब तू तैयार हो जा। सब से काम लो मधुरी। मेरी बेटी, मेरी बेटी, पिताजी, मैं तो जीते जी मर चुकी थी। मेरी खुशनसीबी है कि मेरे आखिरी सांस अपनी बहन की जिंदगी बचाने के लिए आपकी गोद में खत्म हो रहे हैं। रानी, मेरी बच्ची। माफ करना मधुरी, मेरी निगाहें तुम्हें पहचान ना सकी। मुझे रानी पर आपका धोखा हुआ था, मुझे माफ कर दो। दोस्त, हमारे भैया ने वो मारा कि हो गया पौ वाला। भैया, फिर भैया। बहन रानी, तुम्हारी याद हमारे दिल में हमेशा कायम रहेगी। मरने वाले मरते हैं लेकिन फना होते नहीं, वो हकीकत में कभी हमसे जुदा होते नहीं। अब क्या मैं आपका नाम पूछ सकता हूँ? जब मुझे पहचान लिया तो फिर नाम की क्या जरूरत है। वाह साहब, आप तो बड़े छुपे रुस्तम निकले, बहुत बड़ा चूहा पकड़ा, लेकिन दिल के चोर को। सावन भादो, अरे भाई कहाँ मर गए सबके साथ? जानवर हैं सबके सब जानवर। शादी क्या तू गया, मुसीबत मोल ले ली। मुसीबत बुढ़ापे में ये चट्टी पट्टी करके कहाँ चले? बुढ़ापा किसने मुझ में? भाई ये तुम्हारे बच्चों से तो मैं तंग आ गया हूँ। मेरे बच्चे? हाँ। और तुम्हारे नहीं, अपने कहो अपने। मेरे देवदास, मेरे चंडीदास और पूरन क्या बोले? वो अच्छे हैं, वो अच्छे हैं। मैं बुरा हूँ, मैं बुरा हूँ। मुझे जरा जाना है, माफ करना। नहीं, हम सब घूमने चलेंगे। ठहरो, मैं बच्चों को साथ ले आती। सब बच्चे? आफत, आफत, आफत। कब से है ये आंधी आई, सब पे ये सब आफत लाए। जब से है ये आंधी आई, सर पे ये सब आफत लाए। चल आराम
हम बेकार बेकार जी हम बेकार चलो चले उस देश सजनी जाओ प्रेमा पार चलो चले उस देश सजनी जाओ